हे दोस्तों, क्विक रेसिपीज के और एक नए वीडियो में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम आपके लिए और एक नया रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाने वाले हैं खीरा का रेसिपी। इसके साथ आइए पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके इंग्रेडिएंट्स में हम लोग लेने वाले हैं ये खीरा, दो खीरा यूज करेंगे, उसके साथ सोडा, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। और उसके साथ तेल मसाला कुछ ऐसा ट्राई करेंगे, आप लोगों को कढ़ाई के ऊपर दिखाते हैं, तो देखते रहिए। दोस्तों, हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें तेल देंगे, ये आप लोग देख सकते हो, इतना सही तेल देंगे, इसको गर्म होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें अब डालेंगे ये हमारा लाल मिर्च, उसके बाद जिंजर गार्लिक, और उसके बाद हम लोग डालेंगे सरसों, ठीक है। तो इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। इसमें डालेंगे जीरा। अब हम इसमें देंगे खीरा। इसके बाद इसमें हम इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, आप लोग बस देख लीजिए। तो दोस्तों, हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं हाफ स्पून नमक। अब इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, उसके बाद देखते रहेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा चीनी, बटे से लगेंगे इसके ऊपर। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे पानी को, ये आप लोग देख सकते हो, इसको हल्का सा उबलने देंगे। उबलने से पहले इसमें डालेंगे हम लोग सोडा, ठीक है, तो आप लोगों को मैंने दिखाया था, हल्का सा यूज करना है, तो इसको पूरा उबलने देते हैं, उसके बाद देखते हैं जलवा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखने में, खाने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आइए इसको उतार लेते हैं, उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसका। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, इसका फाइनल लुक देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, खाने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आप लोग इसको घर में ज़रूर बनाएगा और हमें बताइएगा कमेंट में आपको कैसा लगा। कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। चैनल पर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुमूल्य टाइम के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।